दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड पे। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड पे। कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फेस वैल्यू 10 रुपये था पब्लिक इशू के टाइम पे। कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है। ये रोड बनाती है, टोल प्लाजा लगाती है, रोड बना के टोल टैक्स लेती है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और ढेर सारे काम करती है। तो कंपनी इंडिया के फॉर्चून इंडिया 500 कंपनीज में से एक है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों, अब आगे बात करेंगे इनके रिजल्ट्स पे। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर बात करें तो 2020 में 5,070 करोड़ का रिवेन्यू, 148 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 में लगभग 5,000 करोड़ का रिवेन्यू, 256 करोड़ का प्रॉफिट। 2022 में लगभग 6,000 करोड़ का रिवेन्यू और 707 करोड़ का प्रॉफिट। 2023 में 8,100 करोड़ का रिवेन्यू, 371 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में अंठानवे सौ करोड़ का रिवेन्यू और 539 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप 5 सालों के रिवेन्यू पे अगर नज़र डालते हैं तो 5,000, 2021 में कोविड था तो उसमें भी लगभग 5,000 हो गया, फिर 6,000, फिर 8,000, फिर लगभग 10,000। तो रिवेन्यू हर साल अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी रिवेन्यू जनरेट करने में पूरे एफर्ट कर रही है और उसमें सफल होती हुई दिख भी रही है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, 2020 में 148 करोड़, फिर 256 करोड़, फिर 760 करोड़, 371 करोड़, फिर 539 करोड़। तो कंपनी ने रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ाया है और कंपनी ने ईपीएस के क्षेत्र में 2020 में जो 5.89 था, फिर 9.84, फिर 27.73, फिर 13.23, फिर 17.92। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 14.02 2020 में, फिर 9.95, फिर 2.62, 1.09, फिर 2.45। तो 2023 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट बहुत ही शानदार। रिवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ, ईपीएस पहले से बढ़ा हुआ, डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर डबल हो गया। जो खर्च 2023 में था 2024 में वो डबल हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 23 क्वार्टर में 1935 करोड़ का रिवेन्यू, 71 करोड़ का प्रॉफिट। दो सितंबर 23 में 2154 करोड़ का रिवेन्यू, 118 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 23 में 2657 करोड़ का रिवेन्यू, 119 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 में 3051 करोड़ का रिवेन्यू, 263 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 में 2465 करोड़ का रिवेन्यू, 157 करोड़ का प्रॉफिट। जून 23 के मुकाबले जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही शानदार। रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा और प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। अब हम सितंबर 24 क्वार्टर का रिजल्ट भी सितंबर 23 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आने की उम्मीद कर सकते हैं और कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो निश्चित रूप से अनलॉक होगी जैसे ही सितंबर 24 क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर 23 क्वार्टर के रिजल्ट से बेहतर होता है, बेहतर आता है तो। लेकिन उम्मीद बरकरार है कि रिजल्ट बेहतर ही होंगे। एफआईआई के शेयर 7.663% है, डीआईज के शेयर 19.32% है, पब्लिक के शेयर 18.57% है, प्रमोटर के शेयर 54.47% है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 2.45 है, जो एक से ज़्यादा है। रिजर्व और सरप्लस 2,080 करोड़ का है, जबकि कंपनी ने कर्ज ले रखा है 5,450 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट 112 करोड़ का कर रखा है कंपनी ने। फेस वैल्यू 5 रुपये है, बुक वैल्यू 79 रुपये 10 पैसे है। 52 वीक लो 88 रुपये 95 पैसे था, 52 वीक हाई 284 रुपये 74 पैसे था। शेयर प्राइस 10 अक्टूबर 2024 को 244 रुपये था। स्टॉक का पी 12.6 है, जबकि सेक्टर का पी 41.49 है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है। स्टॉक स्प्लिट एक बार हुआ है, 10 रुपये से 5 रुपये में ब्रेक हुआ है शेयर। और बोनस की हिस्ट्री है,
2013 में कंपनी ने एक शेयर पे दो शेयर का बोनस का दिया था और 2018 में एक शेयर पे दो शेयर का दिया था। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखा है और समय समय पे बोनस भी दिया है। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मेरे रिसर्च का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें और अपने रिसर्च के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा उससे बात करें, उसके बाद में शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक अशोका बिल्डकॉन शेयर की बात है, ये एक अच्छी कंपनी है। पिछले एक सालों में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स की वैल्यू अनलॉक करके दी है और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स की वैल्यू अनलॉक करा के ही देंगे। और अगला रिजल्ट सितंबर 24 का अगर बेहतर हो गया तो निश्चित रूप से ये शेयर दौड़ने लगेगा। जिनके पास में ये शेयर हैं वो तो अपने शेयर में बने ही रहें, जिनके पास में ये शेयर नहीं है वो अपनी रिसर्च करें, मेरे रिसर्च का हेल्प लें और अपने एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसके बाद ही शेयर खरीदें। दोस्तों मेरे चैनल शागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो देखकर आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। जहां तक शेयर के फ्यूचर के प्राइस की बात है, शेयर निश्चित रूप से कुछ अननोन ब्रोकरेज हाउसेस ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये करीब 40% तक ये रिटर्न दे सकता है इन नियर फ्यूचर। मतलब अगर सितंबर 24 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हुए तो ये लगभग शेयर 40% वैल्यू प्लस में अनलॉक करके दे सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है।